नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित और स्वागत करता हूं इस प्लेलिस्ट में जहां हम डिस्कशन कर रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे। और अभी अलग अलग लॉजिक गेट्स डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद इन डेप्थ क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से अपना लेवल ऊपर लेके जा रहे हैं, काफी मजा आ रहा है। तो इस वीडियो के अंदर जैसा आपने देखा कि अभी हमने एक्सनॉर गेट को समझा है, तो कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक्सनॉर पे और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं और क्या आप उनको जल्दी सॉल्व कर पाते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। फ्रेंड, जैसा आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा था गेट 2007 में, इट वाज अ 2 मार्क क्वेश्चन। और मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस यहां पर हैं, हर क्वेश्चन को आप पहले पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो अप्रोच क्या है और फिर आगे बढ़ना है ना। तो मैं आगे ट्राई करता हूं। डिफाइन करता है कनेक्टिव मतलब ऑपरेटर स्टार, वेर द बुलियन वेरिएबल एक्स एंड वाई, और एक्स स्टार वाई का वैल्यू बता रहा है एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार। तो पहले तो आप बताओ ये देखने से क्या समझ आता है। मे भी आपको याद नहीं हो, मैं याद दिला देता हूं। अगर एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई बार की बात कर रहा है तो ये और कुछ नहीं, ये बात है किसकी, एक्स नॉर ऑपरेटर की। तो एक्स नॉर ये करता है, हमने प्रॉपर्टी समझी है, ए एक्स नॉर बी इज व्हाट, इट इज ए बी प्लस ए बार बी बार। तो ये देख के पहले समझना था कि एक्स नॉर आपको करना है। फिर कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन पी क्यू आर, और पूछ रहा है इसमें से क्या, कौन कौन सही कौन कौन गलत। तो मैंने ऑलरेडी एक टेबल बना के रखने की कोशिश की है ताकि आप बात फॉलो कर पाओ। एक्स और वाई आपको पता है और जेड जो है वो एक्स स्टार वाई, ये स्टार की डेफिनेशन एक्स नॉर है जो समझ आ रहा है। तो अगेन 0 0 0 1 1 0 1 1 इस बेस पे चेक करें तो एक्स नॉर के हिसाब से क्या होना चाहिए, हम जानते हैं डिफरेंट पे होता है वन और सेम पे होता है जीरो। यस सॉरी, सेम पे होता है वन, डिफरेंट पे होता है जीरो, सही लिखा। अब जरा वैल्यू चेक कर लेते हैं। ये टेबल बना लोगे ना तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बट पॉइंट ये है कि ज्यादा लोग समझ नहीं पाते कि टेबल बनाना है। तो इस क्वेश्चन में टेबल बना के सॉल्व करो तो जल्दी सॉल्व होगा। इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोज में हमने एक्सनॉर पर भी सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन एक्सनॉर पे पूछा गया है। तो कह रहा है एक्स एक्सनॉर वाई, सॉरी वाई एक्सनॉर जेड इज इक्वल्स टू होना चाहिए एक्स, चेक कर लेते हैं। तो ये जेड है कॉलम थर्ड वन, दैट इज वाई। तो डिफरेंट पे जीरो, डिफरेंट पे जीरो, और 0 0 1 1 पे, यानी कि सेम पे आपको मिला है वन, बिल्कुल सही बात है, फॉलो कर पा रहे हैं। एक्स और जेड यानी कि फर्स्ट और लास्ट कॉलम को वाई से, 0 1 डिफरेंट है तो आपको जीरो मिला, सेम है 0 0 पर वन मिला, वन और जीरो डिफरेंट है तो आपको जीरो मिला, सेम पर अगेन आपको वन मिला। आई थिंक अगेन ये भी होल्ड कर रहा है लास्ट वन, तीनों का अगर आप एक्सनॉर करेंगे। तो जैसा हम जानते हैं एक्सनॉर की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो जैसे एक्सोर में नंबर ऑफ वन ऑड होना चाहिए, ऐसे ही एक्सनॉर में नंबर ऑफ जीरो इवन है। अगर नंबर ऑफ जीरो इवन है तो आपको रिजल्ट वन मिलेगा। तो देयर यू कैन सी, अगर आप यहां पर चेक करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो इवन है, यहां पर भी इवन है, यहां पर भी इवन है, क्योंकि सब में दो दो हैं, लास्ट वाले में है नहीं जीरो, एंड जीरो इज ऑल्सो इवन नंबर। तो आप किसी में भी चेक करेंगे, तीनों का अगर आप एक्सनॉर करेंगे तो रिजल्ट वन मिलेगा। मेरे ख्याल से चारों स्टेटमेंट सही है, तो यहां पर ऑप्शन हो जाता है डी। तो अगेन वेरी रियलिस्टिक, वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्टली ऑब्जर्व करके ये भी सॉल्व किया जा सकता था। तो दोनों ही क्वेश्चन मेरे ख्याल से आसान थे जो हम लोगों ने सॉल्व किए। एक ये क्वेश्चन और देखते हैं। तो दिस इज ऑल्सो एन एक्सनॉर, सॉरी वो फर्स्ट क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो एन एक्सनॉर। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में, दिसंबर में पूछा गया था। अगेन पहले आपसे लिखा है एक ऑपरेटर है एस, जो ट्रिक खोलते हैं, आपने लिखा कभी हैश बनाते हैं कभी डॉलर बनाते हैं, इस बार एस बना दिया और आपसे पूछा प्रॉपर्टी जरा चेक कर लो। वन और वन पे मिला वन, वन और जीरो पे जीरो, जीरो वन पर जीरो, जीरो जीरो पर वन। तो मेरे ख्याल से तो इतना हिंट काफी है। अगर सेम वैल्यू पर कर रहा हूं तो वन मिल रहा है, डिफरेंट पर कर रहा हूं तो जीरो मिल रहा है, इसका मतलब एस और कुछ नहीं एक्सनॉर ही है, है ना। तो एक्सनॉर का डायरेक्ट आइडिया आगे पूछता है, ये एक्सप्रेशन कभी कभी ट्रू हुआ कि हमेशा, तो क्या हो गया एक्स एंड देन एक्सनॉर वाई का एक्सनॉर करेंगे जेड के साथ, देन दैट इज इक्वल टू एक्स एक्सनॉर वाई एक्सनॉर जेड। अब ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, मेरे ख्याल से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड इफ यू नो वेल इनफ, और अगर अच्छे से हमने पढ़ाई की है तो एक्सोर एक्सनॉर दोनों एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। तो ये कभी कभी नहीं साहब, ये हमेशा ट्रू होगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कितने सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हैं, लेकिन अगेन आंसर आप इतनी स्पीड से और इतनी क्लैरिटी के साथ तभी कर पाओगे जब फंडामेंटल आइडिया क्लियर होगा, सिर्फ डेफिनेशन नहीं पढ़ी होके उसको एक लेवल ऊपर से एनालाइज किया होगा, है ना। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए थोड़ा समय, बहुत जल्दी इसी तरह की शानदार वीडियो लेके हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।